नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दुर्जनपुर कांड की निष्पक्ष जांच की मांग में उतरा अखिल भारतीय छत्री मंच। जिलाधिकारी को पत्र सौंप उक्त घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। छत्री मंच के लोगों का कहना है कि दुर्जनपुर कांड में पुलिस प्रशासन कर रही है एक तरफा कार्रवाई। दुर्जनपुर गोली कांड में सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस और प्रशासन की रही है। कहा, दो पक्षों के बीच विवाद में चली गोलीकांड में एक जाति विशेष प्रशासनिक प्रताड़ना की हो रही है शिकार। बताया, दुर्जनपुर कांड में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की छत्री मंच करती है घोर निंदा। छत्री मंच के लोगों की संभावना, धीरेंद्र सिंह ने अपनी बचाव में चलाई है गोली। धीरेंद्र सिंह के परिवार से मिलने के लिए हम छत्री मंच को ना रोके प्रशासन। महेश कुमार की रिपोर्ट। तरकानी का सदस्य हूं। दुर्जनपुर कांड में जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, जिसके पक्ष में मुझे ये कहना है कि वहाँ पे आज एक पक्षी जो परिवार है उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन वहाँ लगी हुई है, अगर आदमी जाता है उससे ये उसकी भावनाओं को समझने के लिए भी तो वहाँ उसको रोका जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कम से कम उसके गरीब परिवार को या जो अमीर परिवार जो भी परिवार है उसको दवा दारू और बढ़िया ढंग से उसका इलाज कराया जाए, उसको मिलाया जाए। तो क्षत्रिय समाज की बात कर रहा हूँ मैं, धीरेंद्र सिंह के परिवार वालों से। वहाँ जाने के बाद उसके घर वालों से मिलने पर भी रोक लगाई जा रही है। रिलेशन का कोई है, आदमी तड़प रहा है, वहाँ की औरतें परिवार के उसके लोग जो है परेशान हो रहे हैं। निष्पक्ष जाँच नहीं हो रही, जाँच करा करके उसका जो है न्याय किया जाए। मेरा नाम ठाकुर सोहन सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच जिला अध्यक्ष बलिया जी। जो पिछले हफ्ते 15 तारीख को दुर्जनपुर ग्राम में जो गोलीकांड हुआ है, दो पक्षों के बीच में जो गोलीकांड हुआ है उस संबंध में आए हैं, उसमें हमें जानकारी मिली है आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा कि एक पक्षीय प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा है एक प्रत्येक समाज, उसके खिलाफ हम इस बात के लिए आए हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सभी नागरिक हैं और सबको समान अधिकार है। किसी एक पक्ष को, किसी जात विशेष को अगर कोई प्रताड़ित करता है तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन किया है कि इसके लिए उच्च स्तरीय एक मांग की है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाया जाए जिसके द्वारा एक निष्पक्ष जाँच हो सके जी। एक जाति विशेष हमारे क्षत्रिय धर्म को, जो डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह हैं उनके परिवार को काफ़ी प्रताड़ित किया गया है, उनके भाई बंधु जो भी हैं घर वाले काफ़ी प्रताड़ित हुए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक जाति विशेष को आप करते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। बट ऐसा लगता है कि जांच अपने बचाव में उन्होंने चलाई होगी, जैसा उनके परिवारजन जो घायल हुए हैं, ऐसे कोई एक पक्षी घायल नहीं होता है। कोई अपने परिवार को अपने आप नहीं मारता है, उन पर कोई हमला हुआ होगा तो उन्होंने बचाव में किया होगा, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं बट ऐसा हमें लगता है।